हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एंजल वन की ट्रेडिंग टर्मिनल पे ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें। देखिए, बहुत सारे बिगिनर्स हैं जिनको पता नहीं कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है एंड कैसे किए जाते हैं। देखिए, ऑप्शंस की दो टाइप्स होते हैं, एक कॉल ऑप्शन एंड दूसरा है पुट ऑप्शंस। जो हमको लगता है किसी भी अंडरलाइन यानी बेस जो स्टॉक है या इंडेक्स है उनकी प्राइस बढ़ने वाला है तो उस इंडेक्स को तो हम नहीं खरीद सकते। जैसे कि बैंक निफ्टी की एग्जांपल लेते हैं, बैंक निफ्टी मान लीजिए 41,400 के आसपास चल रहा है तो उनको तो हम खरीद नहीं सकते, तो उनकी कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को खरीद सकते हैं अगर हमको लगता है कि प्राइस 41,400 से बढ़ने वाले। तो चलिए, मैं अभी सबसे पहले एंजल वन की ट्रेडिंग टर्मिनल पे लॉग इन कर लेता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगा, राइट। तो लेट मी लॉग इन एंजल वन ट्रेडिंग टर्मिनल। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो सिंपल 5 मिनट के अंदर विदाउट अपलोडिंग एनी डॉक्यूमेंट्स आप अकाउंट ओपन कर सकते हो और नेक्स्ट दिन से अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको ये जो अकाउंट ओपनिंग लिंक है यहाँ पे क्लिक कीजिए और बिल्कुल फ्री में आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो सबसे पहले इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए एंड देन लॉग इन कीजिए। तो ये देखिए, इंटरफेस इस तरह दिखेगा। तो वॉच लिस्ट में सबसे पहले स्क्रिप्ट को ऐड करना होता है, तो मैं एक और वॉच लिस्ट बना लेता हूँ लाइक दिस वॉच लिस्ट 5 एंड इसको ओपन करते हैं। वॉच लिस्ट 5, बैंक निफ्टी का अभी प्राइस क्या चल रहा है 41,364। इफ यू थिंक प्राइस ऑफ बैंक निफ्टी विल गो हाई, इससे ऊपर जा सकता है 400, 500, 600, तो आप इनकी कॉल ऑप्शन को परचेस कर सकते हैं, क्योंकि आप बैंक निफ्टी को तो परचेस नहीं कर सकते ऑप्शन चेन एंड ऑर्डर्स, ठीक है। तो ऑर्डर सेक्शन में देखिए, ओपन ऑर्डर्स दिखा रहे हैं, तो इसको परचेस नहीं कर सकते, तो इनकी कॉल ऑप्शन को परचेस कर सकते हो अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। एज वेल एज अगर आपको लगता है कि बैंक निफ्टी का प्राइस नीचे गिरने वाले हैं तो उस टाइम आप पुट ऑप्शन को परचेस कर सकते हो। अभी अगर मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट देखना चाहूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम में, क्या दिखा रहा है, डेफिनेटली एक आज यहाँ पे ओपन हुआ था, उसके बाद एक बुलिश मूवमेंट, ठीक है, यहाँ तक हाई बनाया और उसके बाद फॉल, और अभी भी ओपन प्राइस के आसपास है एंड बिल्कुल एक सपोर्ट में रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। दिस इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट, यहाँ से हो सकता है कि सपोर्ट लेकर बैंक निफ्टी अपसाइड जाए, आप यानी प्राइस इंक्रीज होने का प्रोबेबिलिटी है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट में है, ठीक है। तो हम इस पॉइंट पे कॉल ऑप्शन को परचेस कर सकते हैं। तो कॉल ऑप्शन परचेस करने के लिए देखिए, अभी 363 था, 400 आ गया, अगर मैं उस टाइम कॉल ऑप्शन परचेस किया होता तो अच्छा खासा यहाँ पे मुनाफा देखने को मिलता है। देखिए, सबसे पहले मैं कॉल ऑप्शन को ऐड करके वहां पे पोजीशंस बना के दिखाता हूँ। तो कॉल ऑप्शन ऐड करने के लिए सबसे पहले कुछ चीजें जरूरी है, जैसे कि अंडरलाइन। यहाँ पे अंडरलाइन क्या है, बैंक निफ्टी, क्योंकि हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लेंगे। तो आपको क्या करना है, वॉच लिस्ट में ऑप्शन स्क्रिप्ट को ऐड करने के लिए बैंक निफ्टी सबसे पहले टाइप करना है, उसके बाद स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, स्ट्राइक प्राइस हमेशा जो भी प्राइस अभी चल रहा है 41,423, इसके सबसे नियरेस्ट जो स्ट्राइक प्राइस है जिनको हम एटीएम कहते हैं, एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, उनको आपको ऐड करना चाहिए। अभी क्या प्राइस चल रहा है 41,409, तो इनके नजदीक स्ट्राइक प्राइस कौन से होंगे, 41,400 होंगे। ये जो ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं जो भी प्राइस चल रहा है उनके सबसे नजदीकी। और बैंक निफ्टी का जो स्ट्राइक प्राइस है वो 100 रुपीज के इंटरवल में होते हैं, यानी 400, 500, 600, ठीक है, और नीचे में 300, 200, 41,000 इस तरह होते हैं, राइट। सो सबसे नजदीकी क्या हो रहा है, 400, स्ट्राइक प्राइस कौन सा हो जाएगा 400। देन आते हैं कॉल या पुट, अगर आपको लगता है कि प्राइस बढ़ने वाला है तो कॉल परचेस करेंगे, तो सी आपको देना होगा। एंड एक्सपायरी, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते हैं तो जो एक्सपायरी है वो आप वीकली बेसिस भी ले सकते हो या मंथली बेसिस भी आप ले सकते हो। अभी मैं यहाँ पे देखिए ऐड करके दिखाता हूँ, 380 आ चुका है और अभी मैं कॉल ऑप्शन ऐड करके दिखाता हूँ क्योंकि मेरा जो प्रेडिक्शन है वो स्लाइडली बुलिश है, मार्केट यहाँ से अप जा सकते हैं, दैट्स व्हाई कॉल ऑप्शन ऐड करूंगा। सबसे पहले क्या लिखना है यहाँ पे, बैंक निफ्टी यानी अंडरलाइन मैंने लिख दिया। अगर आप बिगिनर से कैसे वॉचलिस्ट में ऐड करना है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को वो मैं दिखा रहा हूँ, बैंक निफ्टी दे दिया। उसके बाद है स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस कौन सा है, एटीएम 41,400, ये हो गया देखिए 41,400 एंड देन कॉल, और ये है 9 मार्च, ये वीकली एक्सपायरी है। आज जो है आज 6 मार्च है और एवरी वीक हर थर्सडे को एक्सपायर होते हैं, तो इसका जो एक्सपायरी है 9 मार्च मैंने सिलेक्ट किया कॉल ऑप्शन। चलिए इसको ऐड कर लेते हैं, ये देखिए कॉल ऑप्शन ऐड कर लिया क्योंकि मेरे हिसाब से मार्केट अभी अप जाने वाला है, दैट्स व्हाई मैंने कॉल ऑप्शन को ऐड किया। अभी पुट ऑप्शन परचेस नहीं कर रहा, पुट ऑप्शन परचेस करके भी दिखाऊंगा। प्राइस कितना चल रहा है, 205 के आसपास कॉल ऑप्शन का प्राइस चल रहा है। तो इनको परचेस क्यों करेंगे हम, क्योंकि हमको लगता है कि ये जो प्राइस है ये बढ़ने वाला है, दैट्स व्हाई, राइट। अगर ये नीचे गिर रहा है, देखिए यहाँ पे प्राइस में गिर रहा है, और ये अगर अप जाएगा
जैसे कि हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो ये प्राइस में भी बढ़ोतरी दिखने को मिला, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बाय करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे उंगली से टैप करना होता है इसके ऊपर, देन ये बाय एंड सेल ऑर्डर विंडो यहाँ पे आ जाएगा। तो बाय अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लॉट के हिसाब से करना है। यहाँ पे आप एक क्वांटिटी बाय नहीं कर सकते, यहाँ पे एक सर्टेन क्वांटिटी आपको बाय करना होगा, जिनको लॉट कहा जाता है। बैंक निफ्टी के लिए लॉट साइज 25, निफ्टी के लिए 40, अगर SBIN की बात कर लीजिए किसी स्टॉक, वहां पे 1500 में एक लॉट होता है। ठीक है, अभी मैं वन लॉट बाय करूंगा, वन लॉट मतलब यहाँ पे 25 क्वांटिटी हो रहा है। अगर मैं दो लॉट बाय करूं 10 मिन 50 क्वांटिटी हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे मैं एक लॉट बाय करना चाहूंगा, कितना लग रहा है 5152। ओके, यहाँ पे हमारे पास बैलेंस कितना है 296। तो चलिए फंड्स ऐड कर लेते हैं, 5000 फंड्स मैं यहाँ पे ऐड कर लेना चाहूंगा। इजी, रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट, देन फोन पे, UPI के थ्रू आप आसानी से पेमेंट कर सकते हो। लाइक दिस, रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना है एंड देन पे। सो ऑप्शन बाइंग करने के लिए ज्यादा अमाउंट की जरूरत नहीं है, सिंपल ऑप्शन जो प्रीमियम है वो पेमेंट करना होता है। देखिए ऐड हो चुका है बहुत ही इजी तरीके से। वॉच लिस्ट में फिर देखिए 204 के आसपास था, अभी 9 आ चुका है। ठीक है, क्योंकि 360 था, अभी ये 90 आ चुका है, दैट्स व्हाई। अभी मैं अगर बाय करने जाऊं कितना दिखा रहा है वन लॉट में 260, 296। तो यहाँ पे देखिए वन लॉट मैंने दबाया एंड मार्केट प्राइस को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे बाय ऑर्डर लगा देता हूँ, ऑर्डर सबमिटेड एंड एग्जीक्यूटेड। राइट, जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूटेड हो जाएगा तो उनकी PNL प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पे दिखेगा, ऑर्डर सेक्शन में 25 स्टेप पर दिखेगा। अभी 41-30 के आसपास प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि हमारा जो एवरेज बाइंग प्राइस है 207.30 और अभी करंट प्राइस 209 है, दस मीन हमारे बाइंग प्राइस से अगर ऊपर है तब ये प्रॉफिट देंगे। अभी देखिए 100 प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट क्यों हो रहा है, इसका प्रीमियम इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो बेस प्राइस था हमारा बढ़ रहा है। हमने जब खरीदा था तो अब 86 के आसपास था, अभी 90-91 के आसपास है, तो दैट्स व्हाई ये थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। सो कॉल ऑप्शन परचेस कब करना चाहिए, जब आपको लगता है कि अंडरलाइन में प्राइस इंक्रीज होने वाला है, उस टाइम आप परचेस कर सकते हो। जैसे ही आपने परचेस कर लिया, ऐसे बिगिनर आपको हमेशा लॉस लिमिट करना चाहिए। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, उनके लिए देखिए जैसे आपने पोजीशंस बना लिए तो उनके स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दीजिए। स्टॉप लॉस आप कैसे लगा सकते हैं, सबसे पहले जो पोजीशंस आपने बनाया, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है, अब आपको टैप करना है एंड देन यहाँ पे देखिए कन्वर्ट एंड स्टॉप लॉस का बटन है, स्टॉप लॉस सिलेक्ट कीजिए एंड देन क्वांटिटी वन लॉट। ओके, यहाँ पे आपको प्राइस मेंशन करना है कि 207 के आसपास हमने एंट्री ली। अभी अगर इस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस अगर 192 को टच कर दे तो मैं पोजीशन से लॉस बुक करके एग्जिट हो जाऊंगा, तो 190 स्टॉप लॉस हो गया। और उससे थोड़ा ऊपर 193 मान लीजिए, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस डाउन होना स्टार्ट करे तो सबसे पहले ट्रिगर को प्रेस करेगा एंड देन इसको टच करेगा 192। सो सेल कर दीजिए एंड कन्फर्म, तो ऑर्डर सबमिटेड। और ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऑप्शन जो पोजीशन बनाया उनकी स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया। अभी देखिए हमारे बाइंग प्राइस से कहीं ऊपर ट्रेड कर रहा है, दैट्स व्हाई प्रॉफिट हो रहा है। ओके, तो इस तरह आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हो। ओके, स्टॉप लॉस को अगर मॉडिफाई करना है तो सिंपल यहाँ पे जाके एडिट ऑर्डर में आप इस तरह मॉडिफाई भी कर सकते हो। ओके, 192 के जगह 195 एंड ट्रिगर प्राइस को भी हमारा जो लिमिट प्राइस है उससे ऊपर देना होगा 196। ओके, तो गाइस अभी देखिए 223 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे 400 समथिंग प्रॉफिट दे दिया है। तो इनको बुक कैसे करें, देखिए यहाँ पे एक स्टॉप लॉस ऑर्डर है, इनको आप पहले कैंसिल कर दीजिए एंड देन आप मार्केट ऑर्डर लगा के यहाँ पे एग्जिट हो सकते हो। सिंपल आप टैप कर सकते हो पोजीशन से एंड देन आपको करना है एग्जिट एंड मार्केट को सिलेक्ट करके एग्जिट कर दीजिए। और ये देखिए पोजीशन से आप निकल गए, 381 आपका टोटल गेन हो गया है। ओके, व्यू क्लोज्ड पोजीशंस पे जाके आप देख सकते हो कि 207 पे आपने एंट्री लिया था, 222 पे आपने सेल कर दिया, अभी जो करंट प्राइस है 226 के आसपास चल रहा है। ओके, तो इस तरह आप कॉल ऑप्शन परचेस करके मुनाफा कमा सकते हो। लेट्स कॉल ऑप्शंस और एक परचेस करते हैं। देखिए यहाँ पे निफ्टी, निफ्टी एक इंडेक्स है, 17,774 अभी चल रहा है। अगर आपको लगता है कि इनकी प्राइस इंक्रीज होने वाला है तो इनकी कॉल ऑप्शन को आप परचेस कर सकते हो एंड ATM स्ट्राइक को ऐड करना है। 17,775 चल रहा है, तो इसका नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस कौन सा होगा,
17,750 होंगे, क्योंकि ये 50 पॉइंट के इंटरवल में इसके स्ट्राइक प्राइस होते हैं निफ्टी का, बैंक निफ्टी का 100 पॉइंट के। ओके, सो यहां पर मैं 17,750, ओके, एंड निफ्टी अंडरलाइंग स्टॉक है और ये देखिए आ चुका है 17,750 एंड कॉल ऑप्शन एंड 9 मार्च वीकली एक्सपायरी, नियरेस्ट जो एक्सपायरी होंगे वो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड आप चाहे तो मंथली भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये देखिए ऐड कर दिया मैंने निफ्टी का। निफ्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है यानी लॉट साइज है वो क्या है, वो है यहाँ पे 50 क्वांटिटी में एक लॉट है। सो निफ्टी में भी हमारा जो व्यू है पॉजिटिव है, बुलिश है, दैट्स व्हाई कॉल ऑप्शन परचेस करेंगे। कॉल ऑप्शन परचेस करने के लिए सिंपली यहाँ पे टैप करेंगे एंड देन बाय, और यहाँ पे देना है लॉट साइज, एक लॉट मतलब 50 क्वांटिटी। यहाँ पे अमाउंट कितना लग रहा है, 50 क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस 3,790। चलिए लिमिट मतलब प्राइस मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज मार्केट एंड देन बाय एंड कंफर्म कर दीजिए। ऑर्डर सबमिटेड एंड ऑर्डर सेक्शन में आप देख सकते हो ऑर्डर हिस्ट्री पे निफ्टी बाय क्या हुआ है, 75.30 पे बाय हुआ है। अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है यहाँ पे 6 point something, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है। एज वेल एज स्टॉप लॉस प्लेस करना है, यहाँ पे जाके स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो। मैं हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करने के लिए कहता हूँ। 75 के आसपास आपका एंट्री है तो मान लीजिए मुझे 68 स्टॉप लॉस लगाना है एंड टिगर प्राइस यहाँ पे 68.50 कर देता हूँ एंड ए कर दिया स्टॉप लॉस प्लस। ठीक है, स्टॉप लॉस प्लेस करने के बाद भी अगर आपको एग्जिट होना है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस जो भी चल रहा है, देखिए अभी प्रॉफिट क्या चल रहा है यहाँ पे 50-40 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे जिस प्राइस में आपने बाय किया है, बाइंग प्राइस से ऊपर अगर मार्केट प्राइस 10 मिन आप प्रॉफिट में है, और अगर जिस प्राइस में आपने बाय किया है उससे डाउन है तो आप लॉस कर रहे हैं। तो ये देखिए अभी 27-30 लॉस में है, लेकिन मैक्सिमम लॉस कितना होगा, जैसे ये 68 को टच करेगा तो ये लॉस बुक करके हम एग्जिट हो जाएंगे, इससे ज्यादा लॉस नहीं होंगे। इसलिए हमेशा कहता हूं कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, दैट्स व्हाई आपको हमेशा स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस कैरी करना चाहिए, पोजीशंस में रहना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे 10 रुपीज के आसपास प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपको इंस्टेंट एग्जिट होना है तो सबसे पहले आप चाहे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके नजदीक ले आ सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए एंड देन आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हो रहा है उनको आप सिंपल एग्जिट कर सकते हो। मैं यहाँ पे वेट नहीं कर रहा हूँ जस्ट दिखाने के लिए, एग्जिट कर दीजिए। मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है उस प्राइस में एग्जिट होना चाहते हैं तो मार्केट सिलेक्ट करके एग्जिट बटन पे क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे। एंड व्यू क्लोज पोजिशन देखिए, एक में 381 जो पहला पोजिशन हमने लिया था, और इस पोजिशन में हमको 2.50 रुपीज की लॉस हुआ है। इस तरह आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो एंजल वन की ट्रेडिंग टर्मिनल पे, राइट। आइए अब हम बात करेंगे पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन कब हम बाय करते हैं, जब आपको लगता है अंडरलाइन की प्राइस यानी बेस स्टॉक या इंडेक्स की प्राइस जब आपको लगता है कि नीचे गिरने वाला है तो आप पुट ऑप्शंस को खरीद सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे इंडेक्स में चलते हैं या वॉच लिस्ट में, अभी देखिए 422 हमको यहाँ पे प्रॉफिट क्यों हुआ, क्योंकि जब हम खरीद रहे थे तो प्राइस था 360-370 के आसपास, और इसलिए कॉल ऑप्शन खरीदे था 207 पे एंड 222 पे सेल कर दिए, क्योंकि अंडरलाइन की प्राइस इंक्रीज हुआ है, दैट्स व्हाई कॉल ऑप्शन की प्राइस में भी इंक्रीज हुआ है। ओके, और ये जो एटीएम कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, इसका डेल्टा 0.5 होता है, दैट्स मीन अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे 50 पॉइंट इंक्रीज हो तो इनकी जो एटीएम कॉन्ट्रैक्ट की प्रीमियम है वो 25 पॉइंट इंक्रीज होंगे। अगर 100 पॉइंट इंक्रीज हो जाते हैं, बैंक निफ्टी का 400 से 500 हो जाते हैं, तो इसका जो प्रीमियम है इस प्रीमियम 50 पॉइंट इंक्रीज होंगे। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट को ही चूज कीजिए ऑप्शन बाइंग के लिए। तो आइए, अगर आपका व्यू ऐसा है कि जो भी प्राइस चल रहा है वहां से मार्केट नीचे गिर सकता है, ठीक है, तो आप पुट ऑप्शन परचेस कर सकते हो। जैसे कि देखिए अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी का प्राइस है 417, आपको लगता है कि ये प्राइस नीचे गिरेगा, हालांकि मेरा जो एक्चुअल अभी व्यू है वो बुलिश है, फिर भी मैं जस्ट दिखाने के लिए यहाँ पे पुट ऑप्शन में एंट्री लूंगा अभी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट डाउन जाने वाला है तो आप पुट ऑप्शन परचेस कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या कैसे ऐड करना है वॉच लिस्ट में, बैंक निफ्टी ये अंडरलाइन है, देन स्ट्राइक प्राइस 41,400, क्योंकि मैं आपको क्या कहा, जो भी प्राइस चल रहा है उस प्राइस की सबसे नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है वो आपको ऐड करना है। सो 41,400 ऐड कर दिया, देन पी आपने टाइप कर दिया, तो ये देखिए पी आ चुका है एंड 9 मार्च एक्सपायरी है, नजदीक एक्सपायरी, आज की जो डेट है वो 6 मार्च है। ये मैंने ऐड कर दिया तो ये देखिए ऐड हो गया, प्राइस कितना है 203 के आसपास है। सो अभी देखिए हम यहाँ पे एक लॉट्स बाय करेंगे, एंट्री प्राइस दे देते हैं ये 206 में हम खरीदेंगे,
तो चलिए अभी अवेलेबल मार्जिन यहाँ दिखा रहे हैं, इतना दिखा रहे हैं, रिकॉर्ड है 5150 यार, अभी 14 आ चुका है क्योंकि प्राइस में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। फिर भी हम वेट करेंगे थोड़ा, 7 कर देते हैं एंड चलिए बाई करके रख सकते हैं। इस तरह आप लिमिट ऑर्डर भी प्लेस करके रख सकते हैं। जैसे ही मार्केट प्राइस, इस स्क्रिप्ट की मार्केट प्राइस इसको हिट करेगा 207, तो अब ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। सो देखिए अभी 221 हाई बनाया था, अभी 211 आ चुका है। हमारा जो लिमिट ऑर्डर है एंट्री का 207, लेट्स सी। सो गाइस ये जो ऑर्डर था ये एग्जीक्यूट हो चुका है, देखिए ओपन हिस्ट्री में जाके आपको मिल जाएगा 207 पे जो ऑर्डर लगाया था वो एग्जीक्यूट हो चुका है और अभी 210 के आसपास चल रहा है। दैट मीन प्रॉफिट ऑब्वियसली होगा। और ये देखिए 73 प्रॉफिट है क्योंकि 207 हमारा एंट्री है एंड 209 के आसपास अभी चल रहा है। एज वेल एज मैं हमेशा स्टॉप लॉस प्लेस करने के लिए कहता हूँ, तो स्टॉप लॉस कैसे प्लेस करें? स्टॉप लॉस प्लेस करने के लिए सिंपल यहाँ पे एंड देन ये एंजल वन की इजी टू यूज प्लेटफॉर्म है, इंटर लॉस वन क्वांटिटी यहाँ पे आ चुका है एंड देन यहाँ पे आपको सबसे पहले प्राइस मेंशन करना है। जैसे कि मैंने 207 पे एंट्री लिया, सो 207 के डाउन जैसे ही आएगा तो इस लॉस स्टार्ट हो जाएंगे। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 192 हमारा स्टॉप लॉस है एंड यहाँ पर 192.80 थोड़ा ऊपर मैंने यहाँ पे दे दिया। हालांकि ये देखिए प्राइस नीचे गिर रहा है, हमारा लॉस हो रहा है। सो ये देखिए स्टॉप लॉस, ये मैंने ऑर्डर सबमिट कर दिया एंड अभी देखिए तो मुझे लॉस हो रहे हैं 115 पॉइंट का लॉसेस। सो लेट्स सी क्या हमारा ये हेसल हिट करेगा या थोड़ा प्रॉफिट देंगे। अभी देखिए हमारे बिल्कुल यहाँ पे अप्रॉक्स 207 के आसपास आ गया था। सो लेट्स सी अभी जो मेरा जो व्यू है ना, एक्चुअल व्यू वो है कि मार्केट अप जाएगा, पॉजिटिव है, कॉल ऑप्शन परचेस करना चाहिए मेरे व्यू के अकॉर्डिंग। जस्ट मैं शो कराने के लिए यहाँ पे पुट ऑप्शन परचेस किया एंड आपको दिखा रहा। और अभी देखिए 207 के आसपास फिर आ चुका है। आप चाहे तो ये जो ओपन ऑर्डर है, स्टॉप लॉस ऑर्डर, इनको आप इस तरह मॉडिफाई भी कर सकते हो लाइक दिस। यहाँ पे आके अपना प्राइस चेंज कर सकते हो, जैसे 194 दे दिया और ये 195 दे दिया, राइट। इस तरह भी हम कर सकते हो, सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। अगर हमको एग्जिट करना है, सबसे पहले क्या करना है, ये स्टॉप लॉस ऑर्डर है ना, इसको आप कैंसिल कर दीजिए क्योंकि ओपन है एंड देन हम पोजीशंस में जाके देखिए अभी हमारा एंट्री प्राइस से ऊपर आ चुका है। एग्जिट बटन पे क्लिक करेंगे, मार्केट को सिलेक्ट करेंगे एंड देन एग्जिट, और ये देख सकते हैं हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है जो हमने एग्जिट किया। यहाँ पे देखिए 98 पॉइंट हमारा प्रॉफिट हुआ है। 207 पे हमने एंट्री लिया था, 210.95 में हमने एग्जिट किया और अभी करंट प्राइस है 208, ओके 98 प्रॉफिट हो गया है एंड देन टोटल कुल जो प्रॉफिट है 477 रुपीज हमने प्रॉफिट बनाया, ओके। मैंने यहाँ पे कॉल ऑप्शन परचेस करके भी दिखाया एंड पुट ऑप्शन परचेस करके भी दिखाया एंजल वन की ट्रेडिंग टर्मिनल पे, बहुत ही इजी टू यूज है और जस्ट 5 मिनट के अंदर विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। आप अपना फैमिली मेंबर्स का भी अकाउंट ओपन कर सकते हो गाइस। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हैं शुरू से स्टार्ट करके एडवांस लेवल की चीजें, आपको इस कोर्स में मिल जाएगा, ऑप्शन ट्रेडिंग मास्टर क्लास। इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप हमारे इस लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हो, जरोदा एंजल ब्रोकिंग एंड अपस्टॉक्स, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक के थ्रू, तो आपको 3000 रुपीज ऐसे डिस्काउंट मिल जाएगा और सब्सक्राइब करने के लिए, तो लिंक जरूर चेक करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।